अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही कमाल की आने जा रही है, जिसमें आपको एक एक्सटेंशन को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, जो कि अगर आप सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपको एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है या पोस्ट वगैरह की ज़रूरत होती है, जो आप लोगों ने डिटेल सेंड करनी होती है लोगों को। वो आप बार बार जो कॉपी पेस्ट करते हैं ना, वो आप इस एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा। आपको जस्ट सिंपल एक दो वर्ड्स की कमांड डालनी है और वो सारा टाइप होके आ जाएगा। तो ये जो एक्सटेंशन है, इसका नाम है टेक्स्ट ब्लेज। ये आपको गूगल क्रोम वेब स्टोर से ईजीली मिल जाएगी। जैसे कि इधर आप वेब स्टोर टाइप करेंगे क्रोम पर, तो आपने वेब स्टोर पर चले जाना है और वहाँ पर क्रोम वेब स्टोर एंड देन यहाँ पे आपने टेक्स्ट ब्लेज टाइप करना है। टाइप करके आपने सिंपल एंटर करना है और आपके सामने वो एक्सटेंशन आ जाएगी। टेक्स्ट ब्लेज ऐसे ही टाइप करके आपके साथ ये वाली, आपके सामने ना ये वाली एक्सटेंशन जो होगी, जिसको आपने मतलब कि इसका डैशबोर्ड ओपन करना है। और आपको थोड़ा इसका ओवरव्यू समझा देती हूँ कि कैसे इस पर आपने वर्क करना है। अगर आपको ये क्रोम वेबसाइट पर नहीं मिलेगी तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से आप इजीली इसको क्रोम में ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास 5-6 स्ट्रिप सॉरी स्क्रिप्ट थे जिनको मैंने इधर ऐड किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इधर प्लस पे जाना है, ये न्यू आ गया आपके पास, इसको आपने जस्ट ओपन करना है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपने क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक में फेसबुक फॉलोअर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इधर आपने फेसबुक सर्विसेज टाइप करना है। और इधर आपने कोई भी कमांड, छोटा वर्ड जो आपको याद है, फॉर एग्जांपल इधर मैं फेसबुक सर्विसेज लिखा है तो इधर मैं FSS लिख देती हूँ, ठीक है। और इधर आपने कोई भी मतलब कि जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपने डिटेल टाइप करके रखी हुई होगी अपने पास, उधर इधर आपने पेस्ट कर दें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला एक है स्क्रिप्ट है, तो मैं इसको सिंपल कॉपी करती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर सेविंग था और ये सेव्ड हो गया है। ये अब आपने इसकी कमांड याद रखनी है, अगर आपको भूल भी जाए तो आपने वापस इधर आके देख लेना है, फेसबुक सर्विसेज की कमांड क्या है, FSS। अब इसको मैं मतलब कि इसको रन करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप इधर आए, आपने क्या किया, यहाँ से कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल मैं गूगल गूगल का नोटपैड या फिर कोई भी जिसको आपने सेंड करना उसकी उसकी चैटिंग में चले जाना है। और वहाँ पर जो डैशबोर्ड होगा उधर आपने क्या करना है, जस्ट FSS ही टाइप करना है, फेसबुक सर्विसेज। एक मिनट, इधर नहीं आ रहा FSS, ठीक है। इधर कोई भी हम चैट फॉर एग्जांपल हम इधर चले जाते हैं अपने ईमेल में, इधर हम किसी को मेल करते हैं तो उधर हम टाइप करते हैं, ये सेव हो गया इसको हम, ठीक है। तो इधर फॉर एग्जांपल हमने करना है दराज को करते हैं, करूँगी नहीं, जैसा आपको एक वे बता रही हूँ करने का। ये थोड़ा सा इंटरनेट का मसला है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इधर दराज को रिप्लाई करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप सिंपल अपनी वो जो कमांड है वो इधर FSS टाइप करेंगे तो ये देखिए पूरा ही पूरा टाइप होके आ गया। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं होती तो आपने क्या करना था, दोबारा नोटपैड में जाना था, यहाँ पे जहाँ पे सेव किया होगा आपने स्क्रिप्ट अपना, उधर से क्या करना था, सिंपल इसको कॉपी करना था, कॉपी करने के बाद जिसको सेंड करना था उसको उधर पेस्ट करना था,
ऐसे होना था, लेकिन इधर क्या है, आपको कॉपी ना कॉपी करने की जरूरत ना पेस्ट करने की, आपने सिंपल FSS लिखना है और आपके पास ये आ जाएगा। तो ये हमारी आज की एक्सटेंशन थी जिसका नाम है टेक्स्ट ब्लेस। आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, टेक्स्ट ब्लेस इसका थोड़ा सा ऐसा इंटरफेस है, इसको आपने अपना मतलब कर लेना। ये देखिए फेसबुक सर्विसेज, इसका मैंने FSS लिखा हुआ है, तो सिंपल आपने इसको कॉपी कर लेना है और इधर आके अपनी कमांड जो भी आपने रखनी है, कोई भी कीवर्ड कीवर्ड भी इसको कह सकते हैं, कुमार ना भी कहें, तो आपने कीवर्ड इसका सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इधर आपने उसका स्क्रिप्ट का नेम एंड देन वो कीवर्ड ऐड कर देने हैं, वो सेव हो जाएगा खुद ब खुद। तो आपने क्या करना है, अगर आप इधर से करेंगे ना तो आपको वो खुद सेव करना है, ऊपर ऊपर वाले राइट कॉर्नर पे ना ऑप्शन आ जाएगा सेव का, उधर से आपने सेव करना है। अगर आप इधर में से किसी को एडिट करके करते हैं तो वो खुद ही सेव हो जाता है। तो आज की हमारी इतनी वीडियो थी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।